हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोया मंचूरियन की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम सोया मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। सोया मंचूरियन बनाने के लिए हमने लिए हैं, देखिए, 2 कप सोया नगेट्स लिए हुए हैं और 4 कप पानी लिया हुआ है। हमें जस्ट डबल उसमें लेना है और हमने ये नहीं कि इसको स्ट्रेन नहीं करना है, हम इसी में करेंगे। आपको देखिए जी रेसिपी, आप देखते जाइए कंटिन्यूसली हम कैसे बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए 2 कप सोया नगेट्स लिए थे, चंक्स लिए थे एंड 4 कप पानी लिया था। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए, 1 टीस्पून गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है, ये हम इसी में डाल देंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/4 टीस्पून शुगर, 1 ग्रीन चिली कटी हुई, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हमने ये सब इस चीजों को डाल देना है इसमें और इसको हाई फ्लेम पे हम करेंगे और इसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। हाई फ्लेम पे करना है। ये देखिए, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दिए, क्योंकि देखिए ये हम अगर बनाते हैं पनीर का, तो चिली सोया पनीर बनाते हैं, चिली पनीर बनाते हैं, तो वो तो एक अलग हो जाता है। उसमें आप पनीर या सोया को फ्राई कर लीजिए, इसमें भी हम करेंगे फ्राई, पर इसमें बनाने के लिए देखिए अगर फीका फीका नहीं लगना चाहिए, अगर हम इसको बॉयल इसमें फ्लेवर्स नहीं डालेंगे, केवल हम सीधे डायरेक्ट बॉयल कर लेंगे, तो उसमें अंदर से जब हम खाते हैं ना वो फीका फीका टेस्ट आता है, तो हम उसको उसमें भी फ्लेवर लाने के लिए हम ये चीज़ें साथ में ही ऐड करेंगे। चलिए अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक पहले बॉयल कर लेते हैं। कंटिन्यूसली इसको स्टिर करते रहिएगा और हम हाई फ्लेम पे ही इसको कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अराउंड चार मिनट हो गए हैं और ये देखिए पानी लगभग सूख चुका है, अब्जॉर्ब हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम सुखा लेंगे हाई फ्लेम पे करके। इसको लगातार स्टिर ज़्यादा भी नहीं करना कि ये नगेट्स टूट जाएं। ये देखिए नगेट्स लगभग हमारे हुए में, ये जो थोड़ा सा पानी बचा है इसको भी हम अच्छे से सुखा लेंगे। इसको 1-2 मिनट हम और कर लेते हैं। देखिए हमारा पानी बिल्कुल सूख गया है, ये सोया चंक्स ने सारा देखिए सोख कर लिया है, सूख गया है पानी। जितने भी हमने इसमें फ्लेवर्स डाले थे सब इसके अंदर अच्छे से आ गए हैं। अब जब हम बनाएंगे ना तो देखिएगा कितना टेस्टी बनेगा। आप खाएंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ, केवल ऊपर ही ऊपर से फ्लेवर्स नहीं आ रहे, अंदर से भी आ रहे हैं। अब हम इस टाइम पे हम गैस ऑफ कर देंगे। इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे, आप हाई फ्लेम पे, हो सकता है थोड़ा कम लगे, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गए, इस टाइम पे गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएगा उसके बाद चलिए हम आगे बनाते हैं। ये देखिए हमारे सोया चंक्स ठंडे हो गए, अब इसमें हम देखिए हम 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल देंगे और 4 चम्मच हम इसमें मैदा डाल देंगे रिफाइंड फ्लोर, और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, डालना है पर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें भी थोड़ा सा डाल चुके थे। 1/4 स्पून अराउंड ब्लैक पेपर डालेंगे, हमने सॉल्ट डाल ही दिया है इसमें, और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम जरा सा गार्लिक भी डालेंगे, 1/4 स्पून। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। देखिएगा हमने अच्छे से सारा फ्लेवर्स अंदर तक आ गए, और थोड़ा सा जो इसमें हल्के हल्का सा गीला है मॉइस्चर है, उससे ये जो बेसन अरारोट है ये भी ये सारा इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए इसमें ज़्यादा कुछ इस टाइम पे हमने इसलिए नहीं डाला, ऑलरेडी हम उसमें नगेट्स में अच्छे से जब बॉईल करते समय जो सोया चंक्स हमने करे थे उसमें हमने अच्छे से सब कुछ डाल दिया था, सॉसेस वगैरह। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे।
चलिए हम ऑयल रख देते हैं गरम होने के लिए और उसके बाद अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, एक हम डाल के देख लेते हैं। हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम पे तलना है। इस तरीके से हम एक एक करके अलग अलग इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से हम सारे डाल लेते हैं। हमारे एक बार में जितनी डलनी थी मैंने डाल दी है। ये देखिए बिल्कुल इनको ये देखिए होने लगी है अभी, पर अभी एक दो मिनट का टाइम है। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है बिल्कुल क्रिस्प। ये देखिए हमारे सोया मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए, फ्राई हो गए कितने बढ़िया। देखिए इस टाइम हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के जो हमारे थोड़े से बचे हैं ना वो भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से निकाल के हम इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और बाकी के भी मैं तल लेती हूँ। उसके बाद फाइनली हम बनाना उसकी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे सोया मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए, चलिए अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने एक टेबल स्पून ऑयल डाला है, आप ऑयल जो भी यूज़ करना चाहें। अब उसके बाद हम उसमें डाल देंगे अराउंड एक टीस्पून गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ साथ एक ग्रीन चिली ऐसे लंबे, और उसके बाद उसमें डाल देंगे एक छोटा एक इंच का कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसके बाद देखिए मैंने एक कैप्सिकम ली हुई थी बड़े साइज की, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसी तरीके से दो मीडियम साइज के अनियन लिए हुए, उनको हम सॉटे कर लेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं करना है, इनको क्रंची ही रखना है हमें। एक दो मिनट हम इनको कर लेंगे। देखिए हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब इस टाइम पे हम देखिए 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, अराउंड इतना ही हम सॉल्ट डालेंगे। अब सॉल्ट टू टेस्ट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना डालना है। और उसके बाद हम देखिए एक टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे, हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस और एक टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमें हाई फ्लेम पे फटाफट करना है। देखिए अच्छे से एक मिनट के लिए इसमें बॉयल आ जाए, उबाल आ जाए अच्छे से। देखिए अच्छे से अच्छे से हो गया इसमें। इसके बाद मैं अराउंड हाफ कप इसमें पानी डालूंगी, एक टेबल स्पून देखिए मैंने कॉर्न स्टार्च स्लरी बनाई हुई है पतली पतली, ये ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली अच्छे से हिलाएंगे, इसमें एक अच्छे से उबाल आने देंगे पहले। देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गई है, इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे इसमें इस टाइम पे। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जो डाल के रखा हुआ था इसको हम डाल देंगे।
अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, और इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट इसको कवर करके रख देंगे स्लो फ्लेम पे। देखिए अब हम इसकी ये लीड हटा लेते हैं और देखते हैं। चलिए ये देखिए सोया मंचूरियन हमारा बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए। इस टाइम पे हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे और इसकी लिड लगा के इसको फिर 2 मिनट के लिए ढक देंगे सर्व करने से पहले, और उसके बाद ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। चलिए अब हम इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा सोया मंचूरियन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चाहें तो ड्राई बना सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, तो दोनों तरह से बन जाएगा। अगर आपको ड्राई बनाना है तो इसको थोड़ा सा और सुखा लीजिएगा, थोड़ा सा और कवर करके लिड लगा के 2 मिनट और रख दीजिएगा। बाकी बनता बहुत टेस्टी है और खाने में बहुत ही आसान है और हेल्दी, तो आपको पता ही है कि सोया के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आप जल्दी जल्दी ट्राई करिए और मुझे बताइएगा आपका कैसा बना, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ये भी बताइएगा मुझे, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।